गाइस मैं आ चुका हूँ एल्ट्रॉज में, ठीक है। एंड मेरा ये टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि गाड़ी कैसी है चलाने में, ठीक है। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। सर का नाम? सर आप संजीव शुक्ला। संजीव शुक्ला जी मेरे साथ हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेयरिंग बता देता हूँ। स्टेयरिंग के बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं स्टेयरिंग नीचे कर देता हूँ। तो स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है मुझे कि हैवी है, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं रेव दूँ तो आवाज़ ज़्यादा अंदर हल्की सी समझ में आ रही है, हल्का सा वाइब्रेशन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा पकड़ देता हूँ। सर ये पेट्रोल है? हाँ पेट्रोल वर्जन, ठीक है, पेट्रोल वर्जन पे गाड़ी है ये। तो हम लोग पहले सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ज़रूर सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। सीट बेल्ट मैंने लगा लिए, ठीक है। एंड अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैमरा में ऊपर कर लेता हूँ। हेलो 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 अगर हाँ हेलो गाइस मैं तो गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनिशियल पिकअप की बात करूं गाड़ी की, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीछे आपको आर्मरेस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड क्या चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? नहीं रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। तो बात करें बहुत अच्छी, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं ये लूज है इसलिए थोड़ा नीचे जाया जाता है। तो अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ गाइस, तो सस्पेंशन गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। एंड गाड़ी मज़ा आ रहा है चलाने में, ठीक है। एंड अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आगे से गाड़ी बहुत, बोनेट नहीं दिखता है बट ठीक है, गाड़ी ठीक है। बाकी अगर मैं क्लच की बात करता हूँ तो क्लच सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है इसका, ठीक है। सर आपने अभी तक डीजल गाड़ी चलाई है इसकी? डीजल इसका चलाया है? हाँ, डीजल वेरिएंट? हाँ। नहीं इसका डीजल नहीं आया, सॉरी। अच्छा अभी तक इसका डीजल नहीं आया है, तो अगर जब डीजल आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी चला के दिखाऊंगा, ठीक है, कि डीजल में कैसी है ये, ठीक है। एंड अगर मैं इसके मीटर कंसोल की बात करता हूँ, मीटर कंसोल जब मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लूँगा तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा गाड़ी का। बाकी अगर मैं मीटर कंसोल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो गाइस मीटर कंसोल इसका जो RPM मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे डिजिटली, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें जो क्लच की बात कर रहे थे, क्लच हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। कानपुर में तो थोड़ा सा गाड़ी चलाना यहाँ पे आसान नहीं है यार, ठीक है। पता नहीं कौन कहाँ से निकला है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हमेशा टेस्ट ड्राइव सन्नाटी जगह में करनी चाहिए थोड़ा। खैर कोई नहीं, हम बात कर रहे थे क्लच की। तो क्लच इसका बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको क्लच लगे कि यार हार्ड है दबाने, बहुत पैर दर्द हो रहा है। अगर आप ट्रैफिक में भी फंसते हो तो ट्रैफिक में भी आप आराम से चल सकते हो। भाई साहब यहाँ पे कानपुर में लोग बड़े अजीब हैं, ठीक है। ड्राइविंग क्वालिटी की मैं बात करूँ, गाड़ी ड्राइविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सर आप इस गाड़ी की थोड़ा बताइए कि आप क्योंकि चलाते हो तो आपको कैसी लगती गाड़ी चलाने में? वो कंफर्ट है, ओके। आप कितनी लंबी जर्नी करिए आपको थकावट नहीं महसूस होगी, ओके, ठीक है। एंड सस्पेंशन की अगर हम बात करें, आप ट्रायल करें, आप देख सकते हैं कैसी भी रफ रोड हो, कैसा भी हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कब हमारी रफ रोड से निकल गई है। अच्छा हाँ बिल्कुल ही नहीं आपको एहसास होगा, ओके। तो सर बाकी पिकअप बहुत अच्छा ही आप चला ही रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सस्पेंशन गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी में आवाज़ थोड़ी नहीं है पर हल्की सी वाइब्रेशन सी आइडल पे लगी है गाड़ी में। बाकी ये टेस्ट ड्राइव गाड़ी है, हो सकता है नई गाड़ी में ये चीज़ ना हो, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में बहुत तरीके के लोग चलाते हैं इस गाड़ी को, ठीक है। तो
सीधे ही चलना है सर? हाँ सीधे। गाड़ी बहुत मज़ेदार है, मैंने टाटा टियागो चलाई है, बहुत अच्छी, वो भी फन टू ड्राइव गाड़ी है, ये भी पाव की फन टू ड्राइव गाड़ी है, ठीक है। एंड अगर हम इसकी और क्या बात मैं बता दूँ आप लोगों को, बाकी अगर आप लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो वो आप मुझे बता सकते हो। बाकी यार थोड़ा सा चेकिंग चल रही है, ठीक है। हमारी कॉल आ रही, बात करें एक सेकेंड, आप थोड़ी देर बाद अगर बात कर सकते हैं। चलो अच्छा, अब यहाँ से राइट टर्न ले लेना आगे, ठीक है। बाकी ड्राइविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप इस गाड़ी के लिए जाते हो तो आप यही से जा सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है आपको, ठीक है। एंड बाकी अगर बात करें कंफर्टेबल की, सीट मुझे बहुत कंफर्टेबल मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका एसी बहुत पावरफुल है, तो सर ने बताया कि इसका एसी जो है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो बाकी मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक इसमें सर कौन सा, हारमन का आता है? हारमन का, ठीक है, हारमन का इसमें म्यूज़िक सिस्टम आता है। बाकी जो चीज़ मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो आपको नीचे लिख के दे दूँगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ आप लोगों को बताना, तो गाइस प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है। एंड गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगर मैं यहाँ से साइड से टर्निंग की बात करता हूँ मैं, तो साइड से जो हमारे जो पिलर्स होते हैं वो थोड़ा सा आ जाते हैं, जिससे कि हमें साइड में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट गाड़ी बेस्ट है, ठीक है सर। इधर से इधर, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर ये ब्लॉग पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे बताइएगा अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा। गियर में थोड़ा सा बाकी गाइस गाड़ी बहुत अच्छी है, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो मुझे बताइएगा, एंड बाकी आप लोगों को मैं एक बार मीटर कंसोल भी दिखा देता हूँ। तो गाइस जो है मीटर की अगर मैं बात करूं तो मीटर यहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिख जाता है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके का है, अच्छा सर एक नॉलेज की आपसे बात पूछना चाहूँगा सर, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर गाड़ी चलाता है एंड उससे भगवान न करे गाड़ी ठुक पिट गई तो क्लेम किसके ऊपर बनेगा? कंपनी मैनेज करती है, वो कंपनी मैनेज करती है, पानी जाएगा बिल्कुल। तो गाइस ये भी मैंने एक आपको नॉलेज की बात बता दी, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि जब अगर मैंने एक बार बता दी तो नहीं लाओ ठोक दें कर दें, ये जरूरी ये मत करना, ठीक है यार, क्योंकि गाड़ी जो भी गाड़ी हमेशा चलाओ अपनी समझ के चलाओ, ये नहीं है कि दूसरे की है या टेस्ट ड्राइव है तो खैर दी, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, एंड सर थोड़ा सा बस ओवरव्यू एक देना चाहूँगा गाड़ी का, ठीक है। यहाँ पे गाइस ये टॉप वेरिएंट है, ठीक है, इस पर आप देख सकते हो टॉप वेरिएंट है, ठीक है। एंड अगर हम जब आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था वो थी इससे नीचे सेकंड टॉप थी, तो इसमें आपको जो एलईडी का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आप लोगों को कुछ सामान रखने की जगह मिल जाती है, ठीक है। बाकी वैनिटी में आपको ऐसे मिलता है, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है। तो काफ़ी गाड़ी अच्छी है, फन टू ड्राइव गाड़ी है, एंड बाकी से आप बाहर से आपको ओवरव्यू एक दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। गाड़ी कुछ इस तरीके की आपको दिखती है, बाकी रियर वॉशर आपको मिल जाता है यहाँ पे, रियर मिल जाता है, बाकी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हैं आपके डायमंड कट्स अलॉय व्हील डुअल टोन में, ठीक है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसके टायर साइज़ की तो ये टायर साइज़ वही है, सेम है, 195/55R16 मिलते हैं आपको, ठीक है। तो गाड़ी चेकआउट कर लूँ, पूरी है,
ठीक है। एंड आपको फ्रंट से मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है। एंड अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो, या फिर आपको गाड़ी चलानी है, कैसी गाड़ी ख़रीदनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। टाटा मोटर्स सोसाइटी मोटर्स है यहाँ पे मैक्रॉबर्टगंज में। यहाँ पे आपको KTM का शोरूम और बजाज का शोरूम मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए एंड बेल का आइकन दबाए बिना मत जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।